हाय ऑल, आज हमें एक पोर्टल फ्रेम के एनालिसिस करनी है विद द हेल्प ऑफ स्टैट प्रो, जिसमें कॉलम की जो हाइट है वो 4 मीटर है और जो बीम का स्पैन है वो 6 मीटर है और जो उस पर लोड आ रहा है वो आ रहा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर, और एक यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा है इस कॉलम के कॉर्नर पे 25 किलो न्यूटन। तो इसको हम एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैट प्रो। सपोज इस कॉलम की जो प्रॉपर्टी है वो है 450 बाई 300 mm और इस बीम की जो प्रॉपर्टी है वो 450 बाई 250 mm। हम ये दो प्रॉपर्टी लेकर चलेंगे और कॉलम की हाइट 4 मीटर है, बीम का स्पैन 6 मीटर है और जो इस पे यूटिल आ रहा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर और एक पॉइंट लोड लग रहा है इसके कॉर्नर पर 25 किलो न्यूटन। तो हम इसको स्टैट प्रो की से इसे सॉल्व करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं, इसका मोमेंट शेयर फोर्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैट प्रो। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पर, फिर हम करते हैं क्लिक स्पेस पर और यहाँ पे हम दे देते हैं नाम पोर्टल फ्रेम। ये लोकेशन है, लोकेशन का मतलब यह है कि आप कहीं भी आप अपना एक फोल्डर बनाओ डेस्कटॉप पे, जहां पे भी इस फाइल को सेव करना चाहते हो वहां पे आप फाइल को सेव कर सकते हो। लेंथ की यूनिट मीटर आपको चेंज करनी है, आप चेंज कर सकते हो क्योंकि हमारे जो कॉलम की हाइट है 4 मीटर है और बीम का जो स्पैन है 6 मीटर है, सो हम यहाँ पर मीटर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फोर्स है हमारा किलो न्यूटन में, आप न्यूटन में अगर होता या किलो पाउंड किलोग्राम में तो आप ले सकते थे, बाकी हमारा फोर्स किलो न्यूटन में है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश है। तो ये हमारा ग्रिड ओपन होके आ गया, ये ग्रिड सिस्टम है यहाँ पे। इस ग्रिड में हम क्या करते हैं, 0 से 4 मीटर हमारी कॉलम की हाइट है, बीम का स्पैन 6 मीटर और फिर हमने यहाँ पे डाउनवर्ड लेस 6 पे क्लिक कर दी, ये हमारा पोर्टल फ्रेम बन गया। नाउ ग्रिड यहाँ से हाइड कर दिया हमने, ये स्नैप नोट बीम का आइकन है, यहाँ से हम ग्रिड हाइड कर सकते हैं। उसके बाद जर्नल प्रॉपर्टी में गए हम, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने डिफाइन किया और डिफाइन करने के बाद हमने एक रेक्टेंगल सेक्शन दे दिया जो कि हमने बताया था 450 बाई 250 mm बीम का साइज और 450 बाई 300 कॉलम का साइज। अब इस बीम के साइज को हमें इस पे असाइन करना है, तो हमने इस पे क्लिक किया, नाउ बीम पे क्लिक किया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस। अगर हम यहाँ असाइन टू व्यू कर देते इसे तो ये पूरे पर असाइन हो जाती प्रॉपर्टी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके एक पर्टिकुलर बीम पे क्लिक करना है और उसे असाइन टू सेलेक्टेड बीम कर देना है। नाउ कॉलम को लिया हमने और यहाँ पर ड्रैग करके आप कॉलम को सेलेक्ट कर लोगे, आप इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो या कंट्रोल प्रेस करके वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हो। असाइन टू सेलेक्टेड बीम, क्लिक ऑन यस। और यहाँ पे इसका रेंडर व्यू भी आप देख सकते हो, आफ्टर असाइनिंग द प्रॉपर्टी है इसका रेंडर व्यू शो कर देगा, ये रेंडर व्यू आ गया। उसके बाद सपोर्ट प्रॉपर्टी के बाद नाउ गो टू द सपोर्ट, क्रिएट एड सपोर्ट लगानी है तो सपोर्ट नीचे के बॉटम नोड पे लगानी है, तो नीचे के नोड सेलेक्ट कर लिए हमने, असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन यस, नीचे के नोड सेलेक्ट हो गए। उसके बाद लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस डिटेल ऐड कर दिया हमने, ऐड करने के बाद डेड लोड और यहाँ पे हमने लिख दिया डेड लोड। सो हमारे पास जो लोड की वैल्यू है आप देखेंगे 40 किलो न्यूटन पर मीटर है और जो हाइट है 4 मीटर है, ये तो हमने बना लिया फ्रेम। तो हमें लोड ऐड करने के, तो 40 किलो न्यूटन पर मीटर इट इज अ यूडीएल और इट इज अ पॉइंट लोड, इज अ कंसंट्रेटेड लोड। तो हमने डेड लोड में गए, ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने सेल्फ वेट, वाई डायरेक्शन है -1 u है क्योंकि इट्स अ डाउनवर्ड, वाई अपवर्ड है तो नाउ टेकिंग द -1 इज एक्ट एज ए डाउनवर्ड, इसे हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम मेंबर लोड में जाएंगे, यहाँ पे एक वैल्यू दे देंगे 40 किलो न्यूटन, माइनस यू दिया मैंने क्योंकि ये अपवर्ड है वाई तो हमें डाउनवर्ड लगाना है, इट्स अ ग्लोबल वाई डायरेक्शन में तो हमने डाउनवर्ड दे दिया। उसके बाद कंसंट्रेटेड फोर्स है और कंसंट्रेटेड फोर्स की वैल्यू है 25। जो कंसंट्रेटेड फोर्स है वो एक्स पॉजिटिव में लग रहा है, अगर आप स्टैट में देखोगे तो यहाँ पे आप देखो ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है इधर की, इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर एक्स नेगेटिव है तो साइड इधर है फोर्स की, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या, आप कंसंट्रेटेड फोर्स 25 किलो न्यूटन जीएक्स डायरेक्शन में लोगे, ऐड कर दे। उसके बाद सेल्फ वेट तो आप तो असाइन टू व्यू करोगे क्योंकि सेल्फ वेट तो होल स्ट्रक्चर एक्ट करेगा। उसके बाद इस फोर्स को लेना है क्योंकि ये बीम पर अप्लाई हो रहा है, नाउ क्लिक ऑन पर्टिकुलर बीम, असाइन टू सेलेक्टेड यस, और इस फोर्स को क्लिक ऑन पर्टिकुलर कॉलम हियर,
असाइन टू सिलेक्टेड यस, मगर देखो आप ये मिड पे लगा, मिड पे क्यों लगा? देखो एक तो इसमें है ग्रीन पार्ट आ रहा है नीचे, ऊपर आ रहा है ब्लू पार्ट। जो ग्रीन पार्ट है वो D1 इज अ डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मसलन क्या आप इसे एडिट करते हो तो एडिट करने के बाद ये जो D1 डिस्टेंस है ये स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा है? ग्रीन। जैसे अगर हम 1 डाल देंगे तो 1 डालने के बाद ये ग्रीन ग्रीन से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से 1 मीटर ऊपर लगेगा। ऐसे ही अगर हम इसमें D1 की वैल्यू 2 कर देते हैं हम, आप देखोगे ये मिड में एक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, D1 की वैल्यू 4 कर देनी है ताकि ये बिल्कुल एंड नोड पर एक्ट करे, क्योंकि इसकी हाइट 4 मीटर है तो हमने 4 मीटर कर। यहाँ आप शिफ्ट वी प्रेस करोगे तो शिफ्ट वी प्रेस करने के बाद लोड डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ एनालाइज एंड प्रिंट, एड क्लोज एनालाइज रन एनालाइज सेव, गो टू प्रोसेसिंग मोड, डन, ओके, बीम, ग्राफ। आप क्लिक करोगे कॉलम पे तो यहाँ पे आप बीम का बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, एक्सियल थ्रस्ट देख पाओगे। कॉलम पे क्लिक करोगे तो बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, एक्सियल थ्रस्ट। इस कॉलम पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर इसका बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, एक्सियल थ्रस्ट। अगर आपको रिएक्शन नोट करनी है तो नोट पे क्लिक करो आप रिएक्शंस, तो यहाँ से इसकी रिएक्शंस आ जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट देखना है तो आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। सो इस तरीके से एक पोर्टल फ्रेम की आप एनालिसिस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैटो।